Hello and welcome, ladies and gentlemen, to the Olympic Story powered by Sports Adda. Yes, और आज हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे स्तर पर पहुंचे हैं, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जो प्रेरणादायक है. Well, आज हम एक ऐसे स्पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो लिटरली मीन्स क्लाइंबिंग ओवर योर ओन ऑब्स्टिकल. यस, ये इस बारी ओलंपिक्स में पहली बारी इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका डेब्यू है एंड मैं बात कर रहा हूं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में. सच बताऊं मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है स्पोर्ट के बारे में, मगर जो हमारे साथ इस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करती है भारत के लिए एक ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने अपनी जर्नी में क्या क्या एक बहुत ही यंग उम्र में क्या क्या अचीव कर लिया है. इट इज ट्रूली इंस्पायरिंग एंड मैं ऑफकोर्स बात कर रहा हूँ वेरी रिसेंटली द एशियन यूथ चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली शिवानी चरक के बारे में. तो शिवानी, वेलकम टू द शो. और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बहुत ही फिट लग रही हैं और खुश लग रही हैं एंड आई एम श्योर कि आपकी फैमिली और आप बिल्कुल सेफ हैं कोविड के होते हुए, और आगे भी आप काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं जोश में लगेंगी क्योंकि जिस हिसाब से आप ये स्पोर्ट खेल रही हैं. तो सब कुछ ठीक ठाक, फिट है? वेरी गुड. तो फिर चर्चा शुरू करते हैं. तो शिवानी, सबसे पहले तो मैं जेन्युइनली बात करना चाहूँगा ये स्पोर्ट के बारे में. स्पोर्ट क्लाइंबिंग एक ऐसा खेल है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते नहीं, ज़्यादा अभी तक अवेयरनेस नहीं है स्पोर्ट के बारे में, जागरूकता नहीं. इस बारी पहली बार है कि ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ है ये इवेंट और ये खेल, और ये भी अब तय है कि ये 2024 पेरिस ओलंपिक्स में भी रहेगा ये स्पोर्ट. तो अगर आप हमारे को थोड़ा समय लेते हुए जरा समझाएं स्पोर्ट क्लाइंबिंग है क्या चीज़. जो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, अगर हम जैसे मेरे को अपने वहाँ पे अगर किसी को समझाना पड़ता है तो इस तरह समझाती हूँ कि एक दीवार पे हमें चढ़ना होता है करके. बट बेसिकली जो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है वो एक वॉल क्लाइंबिंग है, जो हमारे पास 15 मीटर की क्लाइंबिंग वॉल होती है, हमें उस पर चढ़ना होता है. और इसमें 3 टाइप्स के इवेंट होते हैं, लाइक स्पीड क्लाइंबिंग, लीड क्लाइंबिंग एंड बोल्डरिंग. जो स्पीड क्लाइंबिंग होती है वो 15 फीट की वॉल होती है, 15 मीटर की, हमें उस पर क्लाइंब करना होता है. तो हमें जितना फास्ट हम लोग चढ़ेंगे उसमें कुछ सेकंड्स में चढ़ना होता है. जैसे गर्ल्स का रिकॉर्ड है वर्ल्ड का 6.6 सेकंड्स 99 करके. तो बॉयज का भी इससे कम है. जो स्पीड क्लाइंबिंग होती है उसमें हम जितना फास्ट चढ़ेंगे उतना हम लोग अच्छा होगा. और जो लीड क्लाइंबिंग होती है उसमें हमें एक नीचे से एक रूट लगा होता है, जो हमारे रूट सेटर्स वगैरह होते हैं वो हमारे लिए एक रूट सेट करते हैं कि हमें इस पे चढ़ना है. उस पर क्लिप वगैरह लगे होते हैं, तो हमें रोप पास करके, जो हमें नीचे से रोप मिलता है साथ में लेने के लिए ऊपर, हम वो रोप लेके ऊपर जाते हैं और वो हम क्लिप में पास करते करते ऊपर जाते हैं. जो सबसे ऊपर जाता है वो विनर होता है उसमें. और जो बोल्डरिंग होती है उसमें वॉल थोड़ी छोटी होती है और उस पर हमारे लिए 5 रूट्स लगते हैं, हमें वो 5 रूट्स क्लाइंब करने होते हैं विदाउट रोप. तो ये एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जो इवेंट जो ओलंपिक्स में जिस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो पहले तो ऐसा होता था कि इन तीनों इवेंट्स का हमें अलग अलग मेडल मिलता था, तो अभी ओलंपिक फॉरवर्ड के हिसाब से देखा गए तो हमें तीनों इवेंट्स में कंबाइंड मेडल मिलता है. अब एक तीनों को मिला के हमें एक मेडल मिलता है. ओके, तो शिवानी इस बारी वैसे ये बात भी चर्चा में रही जब ये स्पोर्ट का मतलब इंट्रोड्यूस हुआ ओलंपिक्स में, तो ये बात पे चर्चा हो रही थी कि भाई बोल्डरिंग और लीड क्लाइंबिंग में आपने स्पीड क्लाइंबिंग भी मिला दी, तो जो एथलीट्स हैं उनके लिए मुश्किल की बात है बिकॉज आपने कंबाइन कर क्योंकि एक एक जो उदाहरण उन्होंने दिया था वो ये दिया था कि ये तो ऐसी बात होगी कि आप उसेन बोल्ट को बोलते हैं कि भाई आप 100 मीटर भागो, उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई अब आप मैराथन भी भागो. तो क्या ये सही बात है, क्या आपको लगता है कि इससे काफी प्रभाव पड़ता है? यस सर, क्योंकि जो बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हैं लाइक इंडोनेशिया जैसे कंट्री है, इंडोनेशिया के मैक्सिमम एथलीट्स ओनली स्पीड क्लाइंबिंग रिप्रेजेंट करते थे, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट तीनों में कंबाइन करके मेडल निकालना. मगर आगे बढ़ते हुए शिवानी, जो पेरिस ओलंपिक्स है वहाँ पे शायद ऑलरेडी डिसीजन ले ली गई है कि वहाँ पे मेडल्स को इवेंट्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा,
यहाँ तो उससे ऑफ कोर्स आई एम श्योर फायदा होगा बाकी एथलीट्स को भी, जैसे आपने अभी बोला इंडोनेशिया आपका। मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, मेरा ओवरऑल कि मैं तीनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हूँ। हमारे इंडिया में भी पहले ऐसे था कि तीनों इवेंट्स के अलग अलग मेडल्स मिलते थे, अभी भी इंडिया में तीनों इवेंट्स के अलग अलग मेडल मिलते हैं कभी, बट लास्ट ईयर से हमारी नेशनल रैंकिंग जो निकलती है वो कंबाइंड में निकल रही थी, तीनों इवेंट्स को मिला के जो फर्स्ट पे रैंक आएगा वो फर्स्ट चलेगा। तो वैसे कंबाइंड का भी थोड़ा अच्छा है कि कंबाइंड करके हमें चलना पड़ता है। ओके, आपका जो है हुनर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में वो किस में है, लीड में, बोल्डरिंग में या स्पीड में? क्योंकि हर एथलीट का एक जैसे होता है ना एक रुझान होता है कि यार ये तो मैं आराम से कर लेती तो, मगर ये इस चीज को मेरे को थोड़ा सा अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तो आपका जो है वो आप किस में कहेंगे कि हाँ यार ये तो मैं आसान से कर लेती, ये मेरी स्ट्रेंथ है? मेरा खुद का मानना है कि मेरे तीनों इवेंट अपने अकॉर्डिंग ठीक हैं, बट मैं लीड क्लाइंबिंग में मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ा स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मैं लीड क्लाइंबिंग में मेरे को जितनी देर मर्जी चढ़ा लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें आधा आधा एक एक घंटा मैं कंटिन्यूस वॉल पे क्लाइंबिंग कर सकती हूँ। तो लीड का मेरा एंड्योरेंस अच्छा है और मैं स्पीड में भी अच्छा करती हूँ और मेरा बोल्डरिंग इवेंट भी ठीक अच्छा है, क्योंकि मैं लास्ट थ्री ईयर से मैं नेशनल में अपने कंबाइंड इवेंट्स में मैं फर्स्ट पे चल रही हूँ, और आई थिंक सो कि मैंने 11 गोल्ड मेडल और 11 सिल्वर मेडल जीते थे लास्ट ईयर जो मेरा नेशनल हमारे कॉम्पिटिशंस हुए थे उनमें। वाह कमाल है, ये तो कमाल है शिवानी, ये तो मतलब बहुत ही गर्व की बात है कि आप तीनों में ही जिसे कहते हैं कि मैं अव्वल नंबर हूँ, बहुत अच्छी बात है ये। और आगे बढ़ते हुए 2024 में आई एम श्योर अब आपको काफ़ी रनवे मिल रहा है, आपको काफ़ी टाइम मिल रहा है प्रेपरेशन के लिए, तो मुझे लगता है कि आप तीनों इवेंट्स में कमाल करेंगे। क्योंकि मेरा भी ये सोच है कि अब जैसे ओलंपिक्स में उन्होंने अचानक से चेंज कर दिया कि तीनों इवेंट्स को कंबाइन मिलेगा, अब जो एथलीट्स खाली एक इवेंट करते थे उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसीलिए मेरा यही सोचना कि हमें तीनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट एटलीस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे ओलंपिक्स में एकदम से आ गया कि नहीं तुम्हें तीनों इवेंट्स को मिला के एक मेडल मिलेगा, तो जो दूसरे दो इवेंट्स करते ही नहीं थे तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, जो एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी करते थे तो वो मैनेज कर रहे हैं। वाह शिवानी बहुत कमाल की आपने बात की, इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी बहुत ही अच्छी चीज है कि आपकी इतनी दूर की सोच है। तो वह अब ऑफकोर्स थोड़ी सी बात चर्चा करते हैं शिवानी के, आप स्कूल में जब थी तो आप टाइकोंडो आपने शुरुआत की और आपने शायद उसको इतनी ज्यादा परसू नहीं किया या इतना ज्यादा उसमें आपका रुझान नहीं गया, तो यार स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में किस हिसाब से आप निकल गई, कि आपको वहां पे क्या इतना अच्छा लगा कि आपको लगा कि यार नहीं यही मेरा खेल है? जब मैं स्कूल में अपने स्कूल में मेरे एक स्कूल में कंपटीशन के लिए फॉर्म्स आए थे स्पोर्ट क्लाइंबिंग के, तो मैंने सोचा कि मैं भी फिल करती थी, मेरी सिस्टर ऑलरेडी करती थी, तो बेसिकली जैसे कि अभी मुझे भी नहीं पता था कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग होती क्या है, तो मैंने सोचा कि क्लाइंबिंग बोल रहा है क्लाइंबिंग बोल रहे हैं तो मतलब पहाड़ों पर जाके हमें चढ़ना है, मेरे लिए क्लाइंबिंग वो चीज थी, तो मैं उसके लिए गई थी बेसिकली घर से, तो बट आगे जाके देखा कि एक आर्टिफिशियल वॉल पे चढ़ना था करके, फिर थोड़ा सा लगा अलग लगा, फिर वहां पे ट्राई किया तो अच्छा लगा मुझे करके, तो फिर मैंने धीरे धीरे ज्वाइन की वहां से, क्योंकि पहले तो मेरी सिस्टर करती थी तो वो भी मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा मेरा ऑपरेट वगैरह हुआ था, मम्मा और सिस्टर वगैरह बोलते थे कि अभी ऑपरेट हुआ अभी मत करो बाद में कर लेना करके, तो नहीं मैंने जिद किया कि मुझे करना है, तो फिर वहां से मैंने स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट की। स्टेट डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन हुआ था तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन से अपनी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की जर्नी स्टार्ट की थी। है शिवानी ये जरूर अब हम सबको बताना चाहेंगे और आपकी जुबानी मैं समझना चाहूंगा कि एक बहुत ही कम उम्र में आपको यू नो कैंसर से डायग्नोज किया गया और आप शायद सिर्फ 9 साल की थी और आपने 3 साल एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो काबिले तारीफ है और आप उभरी एज अ विनर। उसके बाद आपने जो भी उस लड़ाई से सीखा उसको आपने अपनी जिंदगी में उतारा और आज आप इस मुकाम पे हैं। तो वह सबसे पहले तो मैं शिवानी आपको नमस्कार करना चाहूँगा, तहे दिल से नमस्कार करना चाहूँगा, क्योंकि
एक बहुत ही प्रेरणादायक ये कहानी है, और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा अब आप बोलाएं, बताएं हमारे को, क्योंकि आपने जो दृढ़ता दिखाई है, जो मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई है, फिजिकल स्ट्रेंथ तो ऑफकोर्स यू नो खुदा करे आपको हमेशा मिलती रहे, वो है ही है, मगर क्या सीखा, क्या हुआ वो समझना चाहेंगे शिवानी। जब मैं मेरे घर पे मेरे कजन का बर्थडे था, तो हम लोग न्यू ईयर था उस दिन, तो मुझे हर साल सिर्फ न्यू ईयर वाले दिन पेट दर्द होती थी, तो मैंने बोला कि मुझे पेट दर्द हो रही है, तो मैं रोने लगी, तो पापा सब लोग बोलने लगे कि इसको डॉक्टर को चेक करवाएंगे, तो डॉक्टर के पास हम लोग गए, तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है मेडिसिन खाना ठीक हो जाएगा करके, तो बट पापा मम्मा ने ऐसे थोड़ा डाउट में थे, पापा मम्मा ने बोला कि नहीं हमें एक बार अल्ट्रासाउंड भी करवाना है, इसको पेट दर्द क्यों होती है करके। तो जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उन्होंने जल्दी करवाया फिर मेरा अल्ट्रासाउंड, तो फिर वहां पे पता लगा कि मुझे कैंसर है, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे कैंसर करके प्रॉब्लम है, और वैसे भी मैं छोटी थी, अगर उस उम्र में मुझे कोई बता भी देता कि मुझे कैंसर की प्रॉब्लम थी, तो मुझे कैंसर के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, और मैं छोटी थी, मेरे लिए तो छोटी सी बीमारी थी उस समय, तो बट मेरे को किसी ने बताया नहीं कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो मेरे को चंडीगढ़ फिर घर वाले उसी दिन से दिन रात एक करके मेरे को कभी किसी डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी कोई टेस्ट करवाना, कभी कोई टेस्ट करवाना, तो सुबह जाते थे हम लोग, रात पूरी इसी में निकल जाती थी, सुबह से शाम तक टेस्ट करवाने में ही खाली। तो फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप इसको जम्मू में ट्रीटमेंट मत करवाओ, आप चंडीगढ़ लेके जाओ PIG में। तो फिर हम लोग बीच बीच में घर पे जाते थे, कीमोथेरेपी से बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई थी, हर टाइम पे कुछ ना खा सकते थे ना कुछ पी सकते थे, तो फाइनली जिस दिन लास्ट डे मेरा ऑपरेट था, तो जब मैं ऑपरेट के दूसरे दिन की बात है, फिर मैंने मम्मी पापा को बोला कि नहीं पापा मम्मा आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो चलो हम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं खाना खाने के लिए। तो मेरे मम्मी पापा के मुंह पे बहुत बड़ी स्माइल आ गई कि आज इसने कम से कम 3 साल के बाद खुद ये चीज बोली कि मुझे खाना खाना है, और आप लोग भी चलो मेरे साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत सालों से मेरे मम्मी पापा ने भी अच्छे से खाना नहीं खाया था मेरी टेंशन के कारण, और मैं भी कीमोथेरेपी के कारण कुछ खा नहीं पा रही थी अच्छे से, तो उस दिन मेरे को लगा कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। कमाल किया है शिवानी जी आपने, ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत ही ज्यादा, और थैंक यू, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी पर्सनल कहानी हम लोगों के साथ शेयर की। मगर जो भी मैंने समझा सुना यही समझ आया शिवानी जी के आपकी जो मानसिकता है वो एक बहुत पॉजिटिव मानसिकता है, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी से जूझना इतनी कम उम्र में और फिर विजयी आना उभरना उससे बहुत ही चीज़ों को दर्शाता है। तो वहाँ पे बात करते हैं, अब तो वो समय निकल गया, अब आप एक नई जिंदगी अपने लिए तय कर रही हैं, एक नई जिंदगी जिसमें बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, बहुत से मुकाम हैं और बहुत से आने बाकी हैं। तो जब स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग शुरू हुई आपकी, जैसे आपने कहा डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन में आप जीती, वहाँ से वो कॉन्फिडेंस आया, फिर आप उसको आगे बढ़ाती गई, तो सबसे पहले बात ये करते हैं शिवानी जी कि एक ऐसा खेल है जिसमें ज़्यादा अवेयरनेस, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, ज़्यादा है नहीं, फैसिलिटी उतनी ज़्यादा शायद नहीं है, तो वो जो इश्यूज थे शुरू के, क्योंकि जब इंसान अच्छा होने लग जाता है एक खेल में, चाहता है कि अब मुझे नए नए एक्सपीरियंस आए, मुझे शायद अच्छे कोचेस मिले, मुझे और चीज़ें सिखाएं, क्योंकि एक जिसे कहते हैं एक एक्साइटमेंट होती है, एक बंदा चाहता है कि यार मैं जितनी जल्दी सीखूं और जितनी जल्दी आगे बढ़ूं। तो वो जो आपकी जर्नी रही या वो जो आपने रास्ता तय किया वो कैसा रहा? जो मेरा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का जर्नी था, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट किया था, जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गई तो मेरी सिस्टर फर्स्ट आई थी और मैं तब सेकंड आई थी, उसके बाद हमारी जोनल कंपटीशन के लिए सिलेक्शन हुई, और जब मैं फर्स्ट टाइम जोनल कंपटीशन पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली आई, तो तब भी बहुत सारे लोगों ने मोहल्ले के दर रिलेटिव्स लगा लो, तो तब बहुत सारे लोग बोलते कि लड़की आप इसको दिल्ली कहाँ भेजोगे, इतनी दूर कैसे जाएगी क्या, तो एक लड़की होने के कारण भी बहुत सारे इश्यूज हमें फेस करना पड़ते थे कि नहीं मैं लड़की हूँ मेरे को दिल्ली नहीं जाना, ये नहीं करना, तो बट मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मुझे ये चीज नहीं दिखाई कि मैं लड़की हूँ, जितना वो मेरे भाइयों को सपोर्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो हम बेटियों को सपोर्ट करते हैं मेरे पापा, उन्होंने कभी भी लड़की लड़के में भेदभाव नहीं किया, उन्होंने जितना भाइयों को सपोर्ट किया उतना मुझे भी किया हमेशा।
तो बट मेरा भी ये सोचना था, जब मैं बीमार थी मैं तब भी सोचती थी कि नहीं अगर मैं यहाँ से ठीक हो जाती हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, तो अगर मैं यहाँ से रिकवर करूंगी तो मेरे को अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करके दिखाना है, क्योंकि उन्होंने मुझे अगर दूसरा जन्म दिया तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ। तो इसलिए मेरा था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ डिफरेंट। तो मेरे को स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग मिली उस समय, मैंने स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ज्वाइन की, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर जोनल लेवल, फिर नेशनल्स, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ता रहा। जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल्स खेलने गई वहाँ पे कुछ एथलीट्स थे जो इंडिया टीम की जर्सी में थे, तो मुझे उनको देख के ऐसा फील हुआ कि मैं भी कभी ये जर्सी पहनूंगी। तो मुझे इंडिया की जर्सी पहनने का बहुत शौक था, इंडिया का फ्लैग लगाने का बहुत शौक था। तो फिर मैंने एक फ्रेंड बोलने लगी तू मेरी पहन ले, तेको फोटो ही तो खिंचवानी है। मैंने बोला मेरे को तेरी नहीं पहननी है, मेरे को खुद मैं अपनी मेहनत से मैं ये जर्सी लूंगी और मैं फिर पहनूंगी। और जब मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया टीम की जर्सी पहनी थी, मैं सच बताती हूँ मेरे को आंखों से आंसू आ गए थे कि आज मैंने अपनी मेहनत से अपनी जर्सी पहनी है। और जब मेरी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हुई थी तो मैंने वहां पे मुझे इंडिया की जर्सी मिली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था इंडिया की जर्सी पहन के। तो मैंने उसी दिन सोच दिया था कि मुझे अपने इंडिया के लिए मेडल जीत के लाना, अपनी स्टेट के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो उस तरह मैंने अपनी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की। कमाल है शिवानी जी, क्या जज्बा रहा है आपका, और तालियां, बहुत सलाम करता हूँ आपके जज्बे को। मगर शिवानी जी ये ऑफकोर्स जरूर एक पॉइंट आता है दिमाग में कि ओलंपिक्स में अब जैसे इस खेल को इंक्लूड कर लिया गया, तो क्या आपको लगता है कि रीसेंट ये होने की वजह से, इस वजह से जो एक ओवरऑल सपोर्ट चाहिए होता है हर खेल को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कोचेज हो, चाहे ट्रेनिंग सेंटर हो, ये सारी चीजें, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आगे आपको? और अभी रिसेंटली टाटा स्पोर्ट्स ने आई थिंक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की पहली एक हमारी फैसिलिटी हमारे देश में खोली है, जो एक बहुत अच्छी बात है, इंकरेजिंग बात है, बहुत रिसेंटली हुआ है, एक या दो दिन पहले ही। तो आपका जो अभी तक सपोर्ट रहा है बाहर से, चाहे वो कोचिंग के तौर पे हो या फैसिलिटी के तौर पे हो, वो कितना रहा है? और क्या ये होने की वजह से, ओलंपिक्स में अब इंक्लूड होने की वजह से, क्या आपको ये लगता है कि ये और बढ़ेगा? और यस, मैं यही बोलना चाहूंगी क्योंकि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग पहले ओलंपिक्स में नहीं था, और एक एथलीट के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती कि हमारा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ओलंपिक्स इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मेरे को तो बहुत खुशी है कि हमारा एटलीस्ट स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ओलंपिक्स इवेंट है। तो मेरा भी एम रहेगा कि मैं भी 2024 के ओलंपिक्स में पेरिस में जाऊँ और वहाँ पे अपने इंडिया के लिए मेडल भी जीत के लाऊँ। और जैसे कि अभी पहले तो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, आई थिंक सो कि अब ओलंपिक्स में आ गया तो अब और ज्यादा लोग इसको जानेंगे स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, क्योंकि पहले बहुत कम लोग स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को जानते थे। अब ओलंपिक्स इवेंट बन गया तो अब मैक्सिमम लोग इसको जाना शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे सबको पता लग रहा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में। तो मुझे लगता है कि अब फैसिलिटीज आई थिंक सो की बढ़ेंगी और ज्यादा आगे हमें हेल्प मिलेगी। इंडिया में तो समय भी देखा जाए एक और जगह वॉल बनी है क्लाइंबिंग की नीम में, तो वो भी काफी अच्छी वॉल बनी है वहां पे, ओलंपिक्स के बाद ही, इवेंट में आने के बाद ही नीम में भी वॉल बनी है। तो कलिंगा स्टेडियम में भी एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का अच्छा वॉल है, इंडिया में भी देखा जाए तो इन दो जगहों पे अच्छा वॉल है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का। तो अभी मुझे लगता है कि इंडिया में और ज्यादा फैसिलिटीज बढ़ेंगी और ज्यादा कोचेज भी अच्छे से ट्रेन करेंगे हर जगह पे, जो कोचेज वगैरह अपने अपने स्टूडेंट्स को। तो आई थिंक सो कि बढ़ेगी फैसिलिटीज अब, और बढ़ भी रही है जब से ओलंपिक्स इवेंट आया, सबको पता है कि हाँ भाई ये गेम है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, नहीं तो हमें समझाना मुश्किल हो जाता था कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग किस तरह का गेम है। तो बट अब खुद ही सबको पता है कि हाँ भाई स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एक इवेंट है ओलंपिक्स पे, जैसे अब ओलंपिक्स की स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग डेट की इवेंट है कि 3 से स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग इवेंट स्टार्ट हो रहा है ओलंपिक्स में। तो आई होप कि बहुत सारे लोग उसको देखेंगे और उनको स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में पता लगे, क्योंकि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एक बहुत डिफरेंट स्पोर्ट है, इसमें बहुत ज्यादा पावर लगती है, सब कुछ चाहिए इसमें। जैसे लीड में जो रूट बताए मैंने लगे तो वो काफी डिफिकल्ट रूट्स होते हैं, उनके लिए हमें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। तो एक तो सबसे बड़ी बात की हमें डर निकालना पड़ता है, हमें डरना नहीं है, जो बच्चा डर जाता है वो ऊपर नहीं चढ़ पाता, क्योंकि हमें हाइट पे चढ़ना पड़ता है, तो विदाउट डर चढ़ना पड़ता है। वेल शिवानी, देखा जाए तो आप में तो बिल्कुल डर है ही नहीं कहीं, मतलब वो तो क्लियर सी बात है कि आप डरती तो है नहीं, डरना मना है आपके लिए। तो
मगर अगर हम इंडिविजुअल स्पोर्ट है शिवानी, तो एक खिलाड़ी के लिए जब स्पेशली वो बढ़ रहा होता है या शुरुआत कर रहा होता है और जब अचीवमेंट्स होने लग जाती हैं और वो आगे बढ़ते जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है उस खिलाड़ी को सपोर्ट, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तौर से हो, चाहे जैसे हो के बहुत सारे इंडिविजुअल खिलाड़ी आगे अपने करियर में बढ़ने और अच्छे लग जाते हैं जब उनको जैसे कोई स्पॉन्सर मिल जाता है या उनको लगता है खुद भी कि अरे यार अब मैं शायद अचीवमेंट कर गया या जो भी कहानी है, तो आपके लिए वो कितना ज़रूरी है और वो कितना मुश्किल था और अब कितना आसान आपको लगता है आगे बढ़ते हुए हो जाएगा? सर, एक एथलीट को स्पोर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं ना रिच फैमिली से हूँ, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से तो मैं बिलोंग नहीं करती हूँ, और मैक्सिमम जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो एक रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो कभी कभी फैमिली भी हमें सपोर्ट नहीं कर पाती, कब तक फैमिली भी सपोर्ट करेगी। जैसे मेरी ही फैमिली है, हम चारों बहन भाई एक ही स्पोर्ट्स में है, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में, अगर किसी भी टूर्नामेंट में जाना है तो चारों को सिलेक्शन हो जाता है, चारों को जाने पड़ता है, तो वहाँ पे फिर फैमिली इतना एफर्ट नहीं कर पाती, एक बच्चा हो फिर भी फैमिली करेगी। तो फिर जो हमारे चेयरमैन सर थे ब्रिगेडियर जाधव सर, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वहाँ से उन्होंने मेरी बात की, मुझे वेल्सपन से उन्होंने स्पॉन्सर दिलवाया, तो उस समय मेरे को वो सपोर्ट जो चाहिए थी, जो मेरे को कहीं से नहीं मिल रही थी, उस समय मुझे वेल्सपन फाउंडेशन ने वो सपोर्ट दिया, वहाँ से उनकी सपोर्ट के कारण मैं इंडोनेशिया जाके रिप्रेजेंट कर पाई। मैं वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप तो मैं नहीं जा सकी थी, बट मैं फिर उसके बाद दो कॉम्पिटिशन्स थे मेरे रिसेंटली, तो मैं वहाँ पे जाके उस स्पॉन्सर के कारण, उस स्पोर्ट के कारण मैं वहाँ पे जाके इंडोनेशिया और चाइना में रिप्रेजेंट कर सकी इंडिया को, मेरा 5th रैंक रहा था वहाँ पे। तो उसके बाद ही मेरा रिसेंटली नेक्स्ट टूर्नामेंट था, जो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो मेरे पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं था, तो उस समय उन दो कॉम्पिटिशन में जाके जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, और मेरा थर्ड जो कॉम्पिटिशन था उसमें मैंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया था। ये होता है कि एक स्पोर्ट की जो जरूरत होती है, कभी कभी इंसान स्पोर्ट के कारण आगे नहीं बढ़ सकता, ये एथलीट के अंदर करने की होती है, बट वो एक एथलीट को घर से निकलने से पहले सोचना पड़ता, अच्छा अगर मैंने दिल्ली जाना है तो मेरा इतना पैसा लगेगा, कहाँ से लाऊंगा मैं ये, अच्छा मुझे जाके वहाँ पे रुकना कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है एक एथलीट को, हर चीज़ देख के हमें चलना पड़ता है। तो मुझे जो स्पोर्ट की जरूरत थी उस समय मुझे वेल्सपन फाउंडेशन से मिली, और मराठी भी मुझे मैनेज करता है, मुझे बहुत सपोर्ट मिली, उस सपोर्ट के कारण मैंने क्रिएशन यूथ चैंपियनशिप में इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल आया। तो मैं यही चाहती हूँ कि हर एथलीट को कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर मिलना चाहिए, जिनमें करने की अहमियत है या जो करना चाहते हैं, क्योंकि कोई कोई एथलीट होता है जो स्पोर्ट के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है। बिल्कुल 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 सटीक बात कही आपने शिवानी, के बहुत जरूरी है कि एक खिलाड़ी की जर्नी को सपोर्ट किया जाए, ना कि जब वो मुकाम पे पहुंच जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, और आई होप जितने हम सब लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं इस पूरी कहानी को, दुआ करते हैं आपके लिए कि आपका जो ये सपोर्ट है, आपका जो ये स्पॉन्सर है, वो बरकरार रहे और बढ़े, ताकि आपको हज़ार चीज़ों में अपना समय ज़ाया ना करना पड़े, आप हज़ार चीज़ों में डिस्टर्ब ना हो, आप सिर्फ अपने खेल पे जिसे कहते हैं एकाग्रता रख के आगे बढ़ती जाए, या जैसे आपके स्पोर्ट के लिए कहा जाए नई ऊंचाइयों को छू दी जाए। तो अफकोर्स एक और चीज भी पूछना चाहूंगा शिवानी, क्या ये एक मेजर रीजन रहा आपके लिए कि इस बारी शायद आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए या ओलंपिक्स में आप जा नहीं पाए, वो क्या रीजन क्या रहा, वजह क्या रही? बिकॉज मुझे लगा शायद ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद थोड़ी सी और चीजें अच्छी हुई होंगी या जैसा भी है, तो वहां पर क्या चूक हो गई या क्या रह गया? सर वहाँ पे तो जहाँ तक मुझे पता कुछ ऐसा भी था कि हमारे जो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग था उसके 50 कॉम्पिटिशन हुए थे, उन 50 कॉम्पिटिशन में जो एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने जो रैंकिंग में थे वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में एथलीट्स थे, उन्होंने वो एथलीट्स उठाए थे, और हमने तो वर्ल्ड के 50 कॉम्पिटिशन तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किए थे, और मैं रैंकिंग में नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग में आना था उसके लिए हमें, तो मैं वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं थी उस समय, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में आने के लिए हमें 50 कॉम्पिटिशन्स होते हैं साल के, तो उसमें से एटलीस्ट 30 या 40 भी पार्टिसिपेट करने चाहिए, तो वो करना बहुत मुश्किल थे।
तो बट एक ट्रायल्स बचे थे फ्रांस में थे जो ओलंपिक्स के लिए, तो मेरी था कि मैं उसमें जाऊंगी क्वालिफाई करने के लिए ओलंपिक्स ट्रायल्स के लिए, तो बट फिर बीच में कोविड आ गया उसके कारण वो हुए नहीं, तो इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो कहानी बाकी है शिवानी, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी जर्नी है अभी बाकी। 2024 में आई एम वेरी श्योर कि आप वहां पे जरूर झंडा फहराएंगी, बिल्कुल तो जरूर झंडा फहराएंगी, एंड अभी समय बाकी है तो आई एम श्योर आप ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रही हैं। तो मैं आपसे ऑफकोर्स ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आप किस किस्म की प्रेपरेशन कर रही हैं और आप कितनी ज्यादा जैसे कहते हैं खुश हैं, उत्तेजित हैं और लगी हुई हैं कि मैंने ये करना है। और ऑफकोर्स वो उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप जितने हमारे खिलाड़ी इस वक्त ओलंपिक्स में खेल रहे हैं उनके लिए आप एक मैसेज भी दो। जैसे अभी रिसेंटली ओलंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल बीट पावर लिफ्टिंग में आया, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे इंडिया के जितने भी एथलीट्स गए हैं वो वहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें और उस बेस्ट परफॉर्मेंस से इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के आए और पूरे देश में अपने इंडिया का, अपने हमारे देश का नाम रोशन करें, मेरी यही इच्छा है। और उनको ऑल द बेस्ट उनके कॉम्पिटिशन के लिए, हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं हमारे इंडिया के जितने भी एथलीट्स गए हैं कि आई होप वो जीत के आए हमारे इंडिया के लिए। जितने लोग आपका ये मैसेज सुनेंगे, जो ये संदेश आपने दिया सुनेंगे, बहुत खुश होंगे और शायद ये उम्मीद कर रहे होंगे कि आप भी इस ओलंपिक खेमे का एक हिस्सा बन के अगले ओलंपिक्स में उतरे। कमाल है। वेल ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल ऑफ यू गाइस वाचिंग, ये एक बहुत ही ज़्यादा शानदार हमारी वार्तालाप रही है शिवानी के साथ, जिन्होंने हमारे को प्रेरणा दी है, जिन्होंने हमारे को ये ज़रूर समझाया है कि ज़िंदगी में हार मानने से कुछ नहीं होता, सिर्फ चलते रहने से होता है, और शिवानी के केस में सिर्फ चढ़ते रहने से होता है। तो वेल, दिस इज़ ऑफ कोर्स होपिंग कि शिवानी आगे चल के नई बुलंदियों को छुएं और नई बुलंदियों तक पहुँचें। एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर ओलंपिक्स, एज आई ऑलवेज से, कहानी अभी बाकी है। एंड हम वापस जरूर आएंगे एक और स्पोर्ट के साथ, क्योंकि दैट इज पावर्ड बाय स्पोर्ट्स अड्डा, इट्स अंडरस्टूड। एंड एज ऑलवेज आई से दिस, प्लीज बी सेफ, यू एंड योर फैमिली, एंड प्लीज गेट जैब्ड बिकॉज दिस वन डज नॉट वर्क। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर एंड बाय बाय।